वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है शक्ति न्यूज ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मोटिवेशनल वीडियो। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे बहुत खास बात करना चाहता हूं और उसी विषय में आपसे जुड़ा हुआ हूं। जो मैं आज बोलना चाहता हूं वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़ा हुआ है और एक बहुत ही एनर्जेटिक आइडिया है, क्योंकि हम जिंदगी में क्या करते हैं, कभी न कभी अपनी तुलना किसी दूसरे से करते हैं। हर कोई व्यक्ति करता है, दूसरे से कंपेयर करता है। इस दुनिया में क्या होता है, 99% लोग ऐसे हैं जो अपनी 90% ज़िंदगी दूसरे की तुलना करने में गुजार देते हैं और ज़िंदगी में कुछ भी अचीवमेंट नहीं कर पाते। तो ऐसा ही एक मुझे प्रसंग ध्यान आ रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हो सकता है आपने सुना हो, एक साधु अपने आश्रम से बाहर निकलता है और जैसे ही वो अपने आश्रम से बाहर निकलता है तो उसके गाल पे एक पानी की बूंद आके टपकती है और जिस दिशा से वो बूंद आई थी उस दिशा की तरफ वो साधु देखता है तो उसको वृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा है और वो रो रहा है। तो साधु उसको कहता है, अरे भाई तू क्यों रो रहा है, तेरे को क्या कष्ट है, क्या दुख है, क्या तू अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। कौवा कहता है, नहीं मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरा रंग काला है, लोग मुझे डांटते रहते हैं, जिसके भी घर पे जाता हूँ सब मुझे भगाते रहते हैं और कोई भी मुझे हमेशा झूठा खिलाते हैं। श्राद्धों में मैं पूजा जाता हूँ, श्राद्धों में मेरी इज्जत होती है, वहाँ पर लोग मुझे देते हैं, दाना देते हैं, ये कोई लाइफ है यार, मैं अपनी लाइफ से बोर आ चुका हूँ। साधु बोला, चल आज मैं तेरे को बनाता हूँ कुछ, तू बता क्या बना चाहता है, किसकी लाइफ तेरे को पसंद है। तो फिर जो कौवा कहता है, कौवा ये कहता है कि मेरे को बाबा हंस बना दीजिए, क्या मस्त सफ़ेद रंग होता है उसका। साधु कहता, चल तेरे को हंस बनाया, लेकिन एक शर्त है, पहले जाके उससे मिल के आइए आप। कौवा भागा भागा जाता है हंस के पास तो हंस को देख कर कहता, हंस भाई क्या मस्त सफेद रंग है यार तेरा, क्या सुंदर है तुम, कितना सुंदर, लोग तेरी फोटो खींचते हैं, क्या मस्त लाइफ है तेरी यार, लाइफ तो तेरी है। तो वो हंस कहता है, तेरे को कौन बोला, किसने कहा कि मैं खुश हूँ। कौवा बोला, तू खुश नहीं है, तकलीफ क्या है तेरे को, तकलीफ बता मेरे को, दुख क्या है तेरे को या लाइफ में। हंस बोलता है, यार जो मेरा रंग है सफेद, ये भी कोई रंग है, ये मौत के बाद का रंग है, मेरा जो सफेद रंग है लोग मेरे साथ फोटो खींचते मेरी सुंदरता को देखते हुए, लेकिन जो सफेद रंग है वो कभी कभी सफेद रंग में ऐसा मिल जाता पता ही नहीं चलता कि मेरी फोटो खींच रहे या पानी की फोटो खींच रहे। तू भी खुश नहीं, ना मैं भी खुश नहीं हूं। तो वो दोनों भागे भागे साधु के पास जाते हैं और साधु से वो हंस बोलता है, बाबा बस एक मौका दे दीजिए। साधु बोलता है, बता बच्चे क्या चाहिए तेरे को, कि मेरे को बस सिर्फ आप तोता बना दीजिए। साधु बोला, चल आज तेरे को तोता बनाता हूँ, लेकिन एक शर्त है, पहले तोते से जाके मिला। दोनों भागे भागे जाते हैं, एक वृक्ष था उस पर बहुत सारे तोते रहते थे, वो उस वृक्ष के 4 से 5 चक्कर काट देते हैं और उनको तोता दिखाई नहीं देता। एट लास्ट 4-5 चक्कर काटने के बाद उनको तोता दिखाई देता है और तोते से कहते हैं, मिठू मियाँ क्या जिंदगी है तेरी यार, लाल लाल सुर्ख लाल लाल चोंच तेरी, हरा रंग क्या मस्त रंग है यार, सुंदरता का प्रतीक है, लोग तेरे को पालते हैं, तेरे को बादाम तक खिलाते हैं, क्या लाइफ है, मस्त लाइफ जी रहा है यार। तोता बोला, किसने बोला तुमको कि मेरी मस्त लाइफ है, साला यहाँ पे हरा रंग आपने 4-5 चक्कर काट लिए, हरे रंग में हरा रंग इस तरह से मिल गया कि आपको 4-5 चक्कर काटने बाद में दिखाई दिया, लोग मेरे को पालते हैं, पिंजरे में रखते हैं, मेरी आजादी छीन लेते हैं मेरे से, मेरी लाइफ लाइफ नहीं है यार, बहुत दुखी हूं मैं अपनी लाइफ से। तो कौवा और हंस ने कहा, तू भी खुश नहीं है। तो तीनों भागे भागे बाबा के पास जाते हैं, साधु के पास जाते हैं और साधु से जा करके फिर वो तोता कहता है कि बाबा
एक मौका दे दीजिए बस। साधु बोला चल दिया तेरे को एक मौका, बता तू किसकी लाइफ जीना चाहता है। बोला बाबा मोर बना दीजिए, क्या सुंदर पक्षी है यार, नेशनल बर्ड मानते सब उसको। तो बाबा बोला चल आज तेरे को मोर बनाता हूँ, लेकिन शर्त वही है एक बार आप जा करके उससे मिल आइए। वो तीनों भागे भागे जाते हैं मोर को ढूंढते, मोर उन्हें मिल जाता है। मोर को बोलते हैं मोर भाई क्या लाइफ है तेरी यार, कितना सुंदर है तू, नेशनल बर्ड राष्ट्रीय पक्षी मानते हैं सब तेरे को, लोग तेरा इंतजार करते हैं कि कब मोर नाचेगा और कब हम इसकी फोटो खींचेंगे, कितना खुश रहता होगा ना यार तू, लाइफ तो तेरी यार, क्या मस्त जिंदगी है। तो मोर बोला कौन बोला अभी तुमको, कौन बोला तुमको कि मैं खुश हूं। ध्यान से एक आवाज सुनिए, टक 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 की आवाज आती है। मोर कहता है कि और ध्यान से आवाज सुनिए, टक टक की आवाज और तेज आना शुरू हो जाती है। मोर कहता है टक टक की आवाज पता है किसकी है, ये शिकारी की आवाज है जो मेरा शिकार करने के लिए आ रहा है। यार मैं खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकता, आजादी से घूम भी नहीं सकता, ये साला को लाइफ है, शिकारी मेरा शिकार करता है, मुझे पकड़ता है, मेरे पंजे नोच लिए जाते हैं, मेरे पंख निकाल लिए जाते हैं और मेरे पंखों का मेरे पंजों का व्यापार किया जाता है। कौवा कहता है भाई तू भी खुश नहीं है, फिर इस दुनिया में खुश कौन है। मोर कहता है तू, कौवे से बोलता है तू, तू खुश है। कौवा बोला मैं कैसे खुश हूं। तो ध्यान से सुनिएगा मोर ने क्या कहा। मोर कहता है भाई तू खुश है, कभी आपने मटन बिरयानी सुनी है। कौवा कहता हाँ। मुर्गा बिरयानी सुनी है हाँ। कभी कौवा बिरयानी सुनी है क्या किसी से। कौवा कहता ना, तू मस्त है साला, कभी मारने का भय नहीं तेरे को, तेरे को पूर्ण आजादी, कहीं जा कहीं आ, लोग तेरे को पालते नहीं हैं, पिंजरे में नहीं रखते हैं, तू स्वतंत्र है। इसलिए मेरे दोस्त लाइफ आपकी है, आप जहां हैं जैसे हैं जिस अवस्था में हैं यू आर द बेस्ट, आप यूनिक हैं, अपने ऊपर भरोसा रखिए मेरे दोस्त। दुनिया में कभी भी अपनी तुलना दूसरे के साथ मत कीजिए। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स बिकॉज कंपेरिजन किल्स द जॉय ऑफ योर एंजॉयमेंट। इसलिए सारा जो आपके पास है उस पर फक्र करो मेरे दोस्त। साइकिल है साइकिल पे फक्र कीजिए, आपके पास मारुति 800 है उस पर फक्र कीजिए। ये थोड़ी ना कि आपके पास साइकिल है, पड़ोसी के पास बुलट है, मेरे पास बुलट आएगी तो तब मैं अपने साइकिल को चलाऊंगा, या पड़ोसी के पास ऑडी है, आपके पास मारुति 800 है तो आप अपनी मारुति 800 का मजा लीजिए ना। ऑडी होगी तब ऑडी को देखेंगे यार, जो आपके पास फिलहाल है उसको तो जिए। तो हमेशा पॉजिटिविटी को बनाए रखिए और अपनी तुलना दूसरे से मत करो, क्योंकि वो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है जिस समय दुनिया आपके खिलाफ होती है, उस समय आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि यू आर यूनिक, भगवान ने आपको सबसे अलग बनाया है। क्योंकि भगवान कभी भी किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करता है, दोहराता नहीं है। जो आप में है एबिलिटी वर्च्यू, जो आप में है वो दूसरे में नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखिए मेरे दोस्त, और मत करो तुलना किसी से। अगर तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे सिर्फ आपको दो ही चीज़ों की प्राप्ति होती है। एक तो आपका डाउन फॉलिंग स्टार्ट हो जाता है, दूसरे के चक्कर में जो आप हैं वो वास्तविकता आपकी खत्म हो जाती है, आप उसको फॉलो कट कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ना करें। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, जब आप दूसरे से कंपैरिजन करते हैं अपना, तो आप में जेलिसी आती है, जलन की भावना आती है, क्योंकि उस समय हम सिर्फ और सिर्फ उसके रिजल्ट के साथ अपनी तुलना कर रहे होते हैं, उसके एफर्ट नहीं देखते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं और आज फिर आपसे भी कहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनना, जिंदगी वो नहीं है मेरे दोस्त जो आप जीते हैं, जिंदगी वो है जो आप खुद बनाते हैं, वो है जिंदगी।
इसलिए कंपैरिजन ना करें, तुलना ना करें, यह आपको हीनता लाती है। यू आर बेस्ट, फेथ इन योर सेल्फ, और जो आप कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है। जिंदगी रूपी गाड़ी आपकी है मेरे दोस्त, ड्राइविंग सीट पे फिर दूसरा क्यों, आप खुद बैठिए ना, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी चलाइए ना। दूसरे के हाथ में कोई अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग देता है क्या? अपनी गाड़ी खुद चलाइए, देखिए कितना मजा आता है, एंजॉय आएगा बिल्कुल आपको। दूसरे के साथ तुलना क्यों करते हो? वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए मेरे दोस्त, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए मेरे दोस्त, पर ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखिए, पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी जिए, और जो आप कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि आप हैं वो है, जो आप हैं वो नहीं है। इसलिए दूसरे को कट कॉपी पेस्ट मत करो, मत करो, मत करो। आपकी लाइफ है यार, मजे से जियो ना। आपको यहाँ पे भगवान ने एक सबको अलग करेक्टर देके भेजा, अलग रोल देके भेजा है, तो आप अपने करेक्टर को कुछ ऐसा कर जाओ ना कि लोग आपको सैल्यूट करें। सारी जिंदगी दूसरे को कट कॉपी पेस्ट करने में निकालोगे क्या? अपने ऊपर विश्वास करें, बिलीव इन यूर सेल्फ। मैं बार बार कहता हूँ, यू आर द बेस्ट, और जो आप कर सकते हैं आपकी कॉपी कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये मैं बता देता हूँ, जो आप हैं वो दूसरा नहीं बन सकता है कोई। इसलिए हमेशा आप अपनी नॉर्मल लाइफ जिए, जो आप में गुण हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है। इसलिए यही मैं पॉजिटिविटी के साथ मैं आपसे एक बात और कहता हूँ, हमेशा इस चीज़ को, मैं हर चीज़ को अपने, इस मेरा पेट सेंटेंस है ये, इससे मैं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। धरती पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंख खोल पगले ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारी मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगी? फ्रेंड्स हमें तो भाई बहुत अच्छी लगी, तो फ्रेंड्स हम ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय।